अगर आप चाहते हैं आपका ऑरेंज, माल्टा, लेमन या फिर किसी भी साइट्रस प्लांट्स में कुछ इस तरीके से फ्रूटिंग हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अक्टूबर का महीना अब शुरू हो चुका है। अक्टूबर के महीने में अपने सभी साइट्रस प्लांट्स में कुछ खास केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि डॉर्मेंसी के बाद अपने पौधे में ढेर सारा फ्लावरिंग हो और उन फ्लावर में से ढेर सारे फ्रूट्स अपने पौधे में लगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा सारे साइट्रस प्लांट्स का अक्टूबर महीने का कुछ खास केयर टिप्स। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्टूबर के महीने में सारे साइट्रस प्लांट्स जैसे कि ऑरेंज, माल्टा, कीनो, पोमेलो, लेमन, इन सभी में दो मेजर इम्पॉर्टेंट केयर होते हैं। उनमें से पहला है पौधे का रूट प्रूनिंग और पौधे का रिपॉटिंग। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरा ऑरेंज का प्लांट अपने पॉट के हिसाब से काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसीलिए मैं इस पौधे को रिपॉटिंग करके एक थर्मोकॉल के फिच बॉक्स में ग्रो करने वाला हूँ। मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में देखा है, जिस साल हम अपने पौधे में रूट प्रूनिंग करते हैं और पौधे का रिपॉटिंग करते हैं, उस साल ही अपने पौधे में काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होता है। जिस साल हम अपने पौधे का रूट प्रूनिंग नहीं करते या फिर पौधे को रिपॉटिंग नहीं करते, उस साल अपने पौधे में उतना अच्छा फ्लावर्स नहीं आते और पौधे में उतने अच्छे फ्रूट्स भी नहीं बनते। इसीलिए अक्टूबर के महीने में पौधे का रूट प्रूनिंग और रिपॉटिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम पौधे को इस पुराने पॉट से निकाल लेते हैं। जब भी हम किसी पौधे का रिपॉटिंग करते हैं तो 2 से 3 दिन अपने पौधे में बिल्कुल भी पानी नहीं देते। इससे पौधे का मिट्टी सूख के थोड़ा सिकुड़ जाता है और पौधे से पॉट को अलग करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलता है। लेकिन यहाँ पर लगातार 1 हफ्ते से बहुत बारिश हो रहा है, इसीलिए पौधे के पॉट का मिट्टी बहुत ही ज़्यादा गीला है, इसीलिए पॉट को निकालने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ था। लेकिन मैंने और मेरे पापा ने बहुत ही मुश्किल से पॉट को निकाल ही लिया। मैं यहाँ पर आपको निकाल के ही डायरेक्ट दिखाता हूँ। पौधे के रूट बॉल के नीचे जो सैंड और पॉट का टुकड़ा हमने ड्रेनेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, उनको अब हम अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। हम दूसरे पॉट में भी बिल्कुल सेम तरीके से ड्रेनेज बनाएंगे, ताकि पॉट में बिल्कुल भी पानी ना जमे। लेकिन ये अभी कोई काम का नहीं है, इसीलिए हम इसे अच्छी तरीके से निकाल लेते हैं। पौधे को ग्रो करने के लिए अब हम एक थर्मोकॉल का फिच बॉक्स ले लेते हैं। थर्मोकॉल के फिच बॉक्स में पौधे ग्रो करने के बहुत सारे फायदे हैं, जिसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। इस वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। सबसे पहले हम फिश बॉक्स के नीचे एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बना लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने फिश बॉक्स के नीचे बहुत सारे ड्रेनेज होल्स बना लिए हैं। अब हम इन ड्रेनेज होल के ऊपर टूटे पॉट का टुकड़ा कुछ इस तरीके से रख देंगे। इसके बाद हमारा जो ग्रीन नेट होता है, उस ग्रीन नेट का टुकड़ा इन ड्रेनेज होल के ऊपर रख देंगे। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा सैंड देके एक लेयर बना देंगे। इससे हमारा एक बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम तैयार हो जाएगा और कभी भी अपने पौधे के पॉट में पानी नहीं जमेगा। अब हम पॉट में कुछ घास घूस भर लेते हैं। ये घास घूस बाद में डिकम्पोज होके फर्टिलाइजर का काम करेगा और अपने पौधे को न्यूट्रिशन देगा। इससे मुझे पॉट में मिट्टी भी कम भरना पड़ता है और पौधे को अच्छा न्यूट्रिशन भी मिल जाता है। इसीलिए आप सब्जियों के छिलके, पौधे के पार्ट, घास घूस, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपके बड़े पॉट के नीचे दे दीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। या फिर मैं थोड़े सूखे हुए पत्ते और मिट्टी भी दे देता हूँ। अब हम इसको अच्छी तरीके से लेवल कर देंगे। अब हम पौधे को पॉट के बिल्कुल बीच में रखते हैं और रूट बॉल के ऊपर से और साइड से थोड़ा थोड़ा रूट बॉल तोड़ देते हैं। अगर आप पौधे को रिपॉटिंग करके फिर से सेम पॉट में ग्रो करने वाले हैं, तो आप पौधे के रूट बॉल का 1/3 काट लीजिए और नए मिट्टी के साथ पौधे को रिपॉटिंग कीजिए। लेकिन मैं यहाँ पर बड़े साइज के पॉट में पौधे को रिपॉटिंग करने वाला हूँ, इसीलिए मैं ज़्यादा रूट बॉल को नहीं तोड़ूंगा।
अब हम पॉट में पॉटिंग मिक्स भरना शुरू करते हैं। अगर बात करें साइट्रस प्लांट्स के लिए कौन सा पॉटिंग मिक्स बेस्ट रहेगा, तो आप 40% गार्डन सॉयल, 40% कंपोस्ट और 20% कोकोपीट अच्छी तरीके से मिला लीजिए और इस पॉटिंग मिक्स में आपके पौधे को ग्रो कीजिए। आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हम अच्छी तरीके से प्रेस करके पॉटिंग मिक्स को भरेंगे और सारे एयर पॉकेट्स को ख़त्म कर देंगे। इससे पानी देने के बाद मिट्टी नीचे दबेगा नहीं और अपना पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। पौधे का रिपॉटिंग अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम पौधे में भरपूर पानी देते हैं और पूरे मिट्टी को गीला कर देते हैं। रिपॉटिंग करने के बाद पानी देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अक्टूबर महीने में साइट्रस प्लांट्स का दूसरा इम्पॉर्टेंट केयर है पौधे का प्रूनिंग। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरा पौधा कितना बड़ा हो चुका है और इतने बड़े पौधे को अपने छत पर मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए हम अपने पौधे में अच्छी तरीके से प्रूनिंग करेंगे और पौधे को एक अच्छा शेप दे देंगे। इससे अपने पौधे में काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं किस किस ब्रांच को हमें काटना है। सबसे पहले तो जो ब्रांच बहुत ही ज़्यादा लंबा हो चुका है उन ब्रांच को आप बेझिझक काट दीजिए। उसके बाद जो ब्रांचेस पौधे के अंदर की तरफ जा रहे हैं उनको भी आप काट दीजिए। अगर इन ब्रांचेस में फ्लावर्स आ भी जाते हैं फिर भी ये झड़ जाते हैं क्योंकि अंदर की तरफ बिल्कुल भी धूप नहीं आता और इससे पौधे के सारे फ्लावर्स गिर जाते हैं। इसके अलावा आपके पौधे में जितने भी इस तरह के छोटे छोटे और पतले पतले ब्रांचेस होंगे इनको भी आप काट दीजिए। इनका नाम है वाटर स्प्राउट्स। इनमें कभी भी फ्लावर्स नहीं आते, ये बस अपने पौधे से एनर्जी लेता रहता है, इसीलिए इनको भी आप काट दीजिए। इसके अलावा आपके पौधे में जितने भी मरे हुए ब्रांचेस होंगे उनको भी आप काट के हटा दीजिए। प्रूनिंग करने के बाद अब आप देख ही सकते हैं पौधे का शेप कुछ इस तरह का हो गया है। अब हम 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंगीसाइड और 1 ml प्रोफिक सुपर अच्छी तरीके से मिला के अपने पौधे में स्प्रे कर देंगे। इससे आपके पौधे में जो ब्रांचेस हमने काटा है उनमें बिल्कुल भी डाईबैक नहीं होगा। इसके साथ साथ पौधे में जो नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं उनमें भी कोई इंसेक्ट का अटैक नहीं होगा। बस इतना केयर करने से ही विंटर ख़त्म होते होते आपका पौधा फ्लावर से भर जाएगा और इस साल आपको आपके पौधे से ढेर सारे फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। और एक ज़रूरी बात, अगर अभी भी आपके पौधे में फ्रूट्स हैं फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। इससे फ्रूट्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप फ्रूट्स का हार्वेस्टिंग के बाद ये काम करते हैं तो इस साल आपके पौधे में फ्लावर्स आने का चांस काफ़ी कम हो जाता है। इसीलिए अक्टूबर ख़त्म होने से पहले ही आप ये काम कर लीजिए। तो वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आपके लिए तो ये बिल्कुल फ्री है लेकिन इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मदद मिलता है। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।